एक तो रेजोल्यूशन रख देते हैं, उस पर बोलने में आसानी रहेगी। हाउस ये पास करता है कि हाई कोर्ट के इस डिसीजन को, जैसा कि अभी मेहनत की गई पी आर मीना साहब के साथ में, पी आर मीना जी ने जो अपनी चेयरमैनशिप में जिम्मेदारी ली, आर भार साहब ने जो इसमें मेहनत की, इसमें विशेष मेहनत हमारे चेयरमैन पी एस भारती साहब का भी बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत इसमें भाग दौड़ की है, और जो साथी इसमें साथ लगे रहे हैं, ये लोगों ने मिलकर जो पिटीशन और सीनियर्स की कंसल्टेशन और जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस के बाद में ये तय हुआ था कि ये हर हाल में शनिवार तक बन जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि करीब करीब हम उसके पास पहुंच गए हैं। और अभी छुट्टी चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो मंडे ट्यूजडे को शायद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो ट्यूजडे या थर्सडे का वेडनेसडे में इसको मतलब जमा कर दिया जाएगा, ये मतलब प्रोसेस में आ जाएगा। उसके बाद में क्या हम इसे जमा कर दें सुप्रीम कोर्ट में, इसको चैलेंज किया जाए? कितने लोग सहमत हाथ उठाएंगे? सब लोग सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दूसरा एक प्रस्ताव है कि ये जो बीमारी अभी पढ़ी आपने, ये बीमारी पर हम चुप लगा जाएं या इसका विरोध करें? जो ये कहता है, जो भी बोलता है, ये ढोल गवार सुदर पशु नागे ताड़न के अधिकारी, इस पर कोई हमारा प्रोटेस्ट होना चाहिए सामूहिक रूप से? क्या प्रोटेस्ट होना चाहिए? देखिए ये वित्त मंत्रालय के अंदर आता है एलआईसी ऑफ इंडिया, और वित्त मंत्रालय जीवन दीप बिल्डिंग पार्लियामेंट हाउस स्ट्रीट जहां पर हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, बिल्कुल वही पॉइंट है जहां पर हम लोग हर बार डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो क्या हमको ये फाइनेंस मिनिस्टर पर डेमोन्स्ट्रेशन करने का निर्णय लेना चाहिए? कितने लोग सहमत हैं? सब सहमत हैं, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो लोग नहीं आए हैं उनको भी साथ लेकर आएंगे। तो इस नहीं नहीं मैं वही कह रहा हूं आपको कि देखिए उस दिन की संख्या हजारों में होगी, हजार में होनी चाहिए। जो लोग आज किसी कारणवश कई परिस्थितियां हैं, कई बार हमारे बीच में भी कई परिस्थितियां दिक्कतें होती हैं, आज के पी सिंह जी चीफ इंजीनियर उनकी ताई मर गई, आज हमारे जयप्रकाश जी वाले उनकी ताई मर गई, कई जगह ऐसी हमारे एक आईएएस कटारिया साहब और उस सीरियस एक्सीडेंट में मैं डूबे, कई पदाधिकारी हमारे वहां एंगेज हो गए, तो कई परिस्थितियां आज मतलब दुर्भाग्यवश ऐसी रही। बहुत सारे हमारे पदाधिकारी अभी नागपुर से वडोदरा से जो अभी कार्यक्रम था वो वडोदरा गए, तो वहां से आसपास के क्षेत्रों में चले गए, वो रास्ते में ट्रेन में ही थे, तो आज कुछ टेक्निकल चीजें हैं। और आज एक और समस्या थी कि आज वो क्या कहते हैं, जो लोग मानते हैं विजय लक्ष्मी वाला जो है ना, वो भी फास फास का लफड़ा भी है कि समझ नहीं पाता। तो मैं सुबह जब देखा कि आज तो मीटिंग की तरफ गेट में रख दी यार, वो मैं कहा तो मैंने कहा चलो रख दी तो रख दी, देखा जाएगा। तो कई कारण ऐसे होते हैं इस वजह से, लेकिन फिर भी जो लोग आए हैं मीटिंग में बहुत जिम्मेदार साथी हैं, तो क्या आपके इस भरोसे के साथ में कि सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और ऐसा वातावरण देश में पैदा करेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति आने वाले समय में ऐसी हिमाकत ना कर सके? सब लोग साथ हैं? सब लोग साथ हैं? पक्का साथ हैं? चलिए धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जी उसमें हुआ है अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी डिसीजन लिया है। अच्छा जी, वो भी डायरेक्शन उन्होंने कुछ इश्यू किए हैं, आज सभी निभाता कमीशन ने भी डायरेक्शन दिए भारत गवर्नमेंट को, काम उसमें चल रहा है। देखिए सवाल इस बात का है कि रुकावट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं चेक लगना चाहिए।